नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी माँ दुर्गा को समर्पित है। आज मैं माँ दुर्गा से जुड़े पांच बेहद रोचक और भक्तिपूर्ण प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं माँ दुर्गा के नौ रूप के बारे में आपको बता दूँ। पहला रूप माँ शैलपुत्री, दूसरा रूप माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, चौथा रूप माँ कुष्मांडा, पांचवा रूप माँ कालरात्रि, छठा रूप माँ कात्यायनी, सातवां रूप माँ सिद्धिदात्री, आठवां रूप माँ महागौरी, नवा रूप माँ स्कंद माता हैं। पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया था, जिस कारण सारे देवगण का बल छीन हो गया था। इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगण एकत्रित हुए और उन्होंने देवी माँ भगवती का आह्वान किया और फिर देवगण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब माँ भगवती ने समस्त देवगण को दैत्य दुर्गम के प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। माँ भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है। जब यह बात दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्ग लोक पर पुनः आक्रमण कर दिया और तब माँ भगवती ने दैत्य दुर्गम की सेना का संहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्यु लोक पहुंचा दिया। माँ भगवती ने दुर्गम के साथ जब अंतिम युद्ध किया तब उन्होंने भुवनेश्वरी, काली, तारा, छिन्नमस्तिका, भैरवी, बगला तथा दूसरी अन्य महाशक्तियों का आह्वान करके उनकी सहायता से दुर्गम को पराजित किया था। इस भीषण युद्ध में विकट दैत्य दुर्गम को पराजित करने के कारण, उसका वध करने के कारण माँ भगवती दुर्गा के नाम से प्रख्यात हुई। इसमें दूसरा प्रसंग आता है जब माँ दुर्गा ने नष्ट किया देवगणों का अभिमान। देवताओं और राक्षसों के बीच एक बार अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। रक्त से सराबोर इस लड़ाई में अंततः देवगण विजय हुए। जीत के मद में देवगण अभिमान और घमंड से भर गए तथा स्वयं को सर्वोत्तम मानने लगे। देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को नष्ट करने हेतु माँ दुर्गा ने तेज पुंज का रूप धारण किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। तेज पुंज विराट स्वरूप को देखकर समस्त देवगण भयभीत हो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरुण देव को तेज पुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भेजा। तेज पुंज के सामने जाकर वरुण देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेज पुंज से उसका परिचय मांगने लगे। तब तेज पुंज ने वरुण देव के सामने एक अदना सा छोटा सा तिनका रखा और उन्हें कहा, तुम वास्तव में इतने बलशाली हो जितना तुम खुद बखान कर रहे हो, तो इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। वरुण देव ने एरी चोटी का बल लगा दिया पर उनसे वह तिनका रत्ती भर हिल नहीं पाया और उनका घमंड चूर चूर हो गया। अंत में वह वापस लौटे और उन्होंने वह वास्तविकता इंद्रदेव से कही। इंद्रदेव ने फिर अग्निदेव को भेजा। तेज पुंज ने अग्निदेव से कहा कि अपने बल और पराक्रम से इस तिनके को भस्म करके बताइए। अग्निदेव ने भी इस कार्य को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ति झोंक दी पर कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में वह भी सिर झुकाए इंद्रदेव के पास लौट आए। इस तरह एक एक कर समस्त देवता तेज पुंज की चुनौती से परास्त हुए। तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए पर उन्हें भी असफलता ही हाथ लगी। अंत में समस्त देवगण तेज पुंज से हार मानकर वहां उनकी आराधना करना शुरू कर दिया। तब तेज पुंज रूप में आई माँ दुर्गा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया और देवताओं को यह ज्ञान दिया कि माँ शक्ति के आशीष से आप सबने दानवों को परास्त किया है। तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और अपना मिथ्या अभिमान त्याग दिया।
माता के कथा में तीसरा प्रसंग आता है कि माँ दुर्गा का वाहन शेर क्यों है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप माँ पार्वती ने शिव जी को तो पा लिया, पर तप के प्रभाव से वह खुद सांवली पर गई। विनोद में एक दिन शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। यह बात माँ पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया। वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहाँ एक भूखा शेर उनका भक्षण करने के इरादे से आ चढ़ा, लेकिन तपस्या में लीन माँ पार्वती को देखकर वह शेर चमत्कारिक रूप से वहीं रुक गया और माँ पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा। माँ पार्वती ने तो हठ ले ली थी कि जब तक वह गौरी नहीं हो जाएंगी, रूपवान नहीं हो जाएंगी, तब तक वह तप करती रहेंगी। शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा। अंत में शिव जी प्रकट हुए और माँ पार्वती को गौरी होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रसंग के बाद पार्वती माँ गंगा स्नान करने गई, तब उनके अंदर से एक और देवी प्रकट हुई और माँ पार्वती गौरी बन गई और उनका नाम इसलिए गौरी पड़ा। और दूसरी देवी जिनका स्वरूप श्याम था, उन्हें कौशिकी के नाम से जाना गया। स्नान संपन्न करने के उपरांत जब माँ पार्वती गौरी बनकर वापस लौट रही थी तो उन्होंने देखा वहाँ एक शेर बैठा है जो उनकी ओर बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। शेर एक मांसाहारी पशु होने के बावजूद उसने माँ पर हमला नहीं किया था। यह बात माँ पार्वती को आश्चर्यजनक लगी। फिर उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से यह भास हुआ कि वह शेर तो तपस्या के दौरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था। और तब माँ पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया। चौथा प्रेरक प्रसंग, माँ दुर्गा ने किया प्रचंड पराक्रमी असुर महिषासुर का संहार। अत्याचारी असुरों का नाश करने हेतु माँ भगवती ने कई अवतार लिए हैं। असुर महिषासुर का वध करने के लिए शक्ति माँ ने दुर्गा का अवतार लिया था। एक धार्मिक कथा के अनुसार महिषासुर ने अपने बल और पराक्रम से स्वर्गलोक देवताओं से छीन लिया था। तब सारे देवता मिलकर वह विष्णु भगवान एवं शंकर भगवान से सहायता मांगने उनके समक्ष गए। पूरी बात जानकर भगवान विष्णु एवं शंकर भगवान क्रोधित हो उठे और तब उन सभी के मुख से दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिस तेज से एक नारी का सृजन हुआ जिन्हें दुर्गा कहा गया। भगवान शिव के तेज से मुख बना, यमराज के तेज से केश बने, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से वक्ष स्थल की रचना हुई, सूर्यदेव के तेज से पैरों की उंगलियां की रचना हुई, कुबेर देव के तेज से नाक की रचना हुई, प्रजापति देव के तेज से दांत बने, अग्निदेव के तेज से तीनों नेत्र की रचना हुई, संध्या के तेज से भ्रिकुटी बनी, वायुदेव के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। दुर्गा माँ के दिव्य रूप के सर्जन करने के बाद देवगण ने इन्हें इन शस्त्रों से सुशोभित किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, भगवान शंकर ने त्रिशूल दिया, अग्निदेव ने अपनी प्रचंड शक्ति प्रदान की, वरुण देव ने शंख भेंट किया, इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पण किया, पवन देव ने धनुष बाण दिए, यमराज ने काल दंड अर्पण किया, प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला अर्पण की, भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सूर्यदेव ने असीम तेज प्रदान किया, सरोवर ने कभी न मुरझाने वाली कमल की माला प्रदान की, पर्वतराज हिमालय ने सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया, कुबेर देव ने मधु से भरा हुआ एक दिव्य पात्र दिया, सूर्य देव ने माँ दुर्गा को एक उज्ज्वल हार, दो दिव्य वस्त्र, एक दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल, दो करे, अर्धचंद्र, एक सुंदर हंसली एवं उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां दी।
शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने असुर महिषासुर से भीषण युद्ध किया और उसे परास्त करके उसका वध कर दिया। उसके पश्चात दुर्गा माँ ने स्वर्गलोक पुनः देवताओं को सौंप दिया। बलशाली असुर महिषासुर का हनन करने के बाद दुर्गा माँ महिषासुर मर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें जो पांचवा प्रेरक प्रसंग आता है वह रामायण से जुड़ी दुर्गा माँ की कथा है। भगवान राम जब अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे, तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता का छल से हरण किया था और उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया था। माँ सीता को मुक्त कराने के लिए श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, विभीषण और अपने मित्र सुग्रीव तथा उनकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे थे ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके। उस महान कल्याणकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीष लेकर 10वें दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था। दुर्गा माता के आशीर्वाद से श्री राम ने रावण को परास्त कर यमलोक भेज दिया तथा देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया। माँ दुर्गा की पूजन का विशेष महत्व है। पापियों का नाश करने वाली माँ अपने भक्तों के प्रति करुणा भी रखती हैं। भक्तजन दुर्गा माँ की पूजा अर्चना कर उनका व्रत रखकर अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं और माँ दुर्गा उन सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा से जुड़े हुए कुछ प्रेरक प्रसंग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।